सरकार द्वारा वायरस नू काबू करने लिए लागू की पाबंदियों के बावजूद देश में गैर कानूनी इकट्ठ अते गतिविधियां होने जा रही नहीं। इसके ताज़ा मामले में अधिकारियों मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में बिना लाइसेंस के एक फाइट क्लब नू लगभग 200 लोगों के इकट्ठ समेत पुलिस ने बंद करवाया। रंबल इन ब्रोक्स नाम के इस क्लब में शामिल लोग शराब तंबाकूनोशी और लड़ाई में मशरूफ सन। इस दौरान उन्होंने किसी तरह की कोई समाजिक दूरी नहीं बनाई हुई थी। लगभग सब बिना मास्क तो सन। अधिकारियों ने लगभग 11:15 बजे न्यूयॉर्क सिटी की कोस्टर स्ट्रीट के गोदाम में दाखिल होकर इस बंद करवाया। इसके अलावा शेरिफ के दफ्तर ने एक बयान में दसाया कि इस कार्रवाई दौरान कई हथियारों के नाल भंग की मात्रा भी बरामद हुई है। ब्रोंक्स रंबल क्लब के सीईओ माइकल रोमन को भी इस गतिविधि लिए 8 दोषों का सामना करना पै रहा है, जिस गैर कानूनी कट और वर्जित लड़ाई खेडा आदि शामिल है।